दोस्तों अभी देख सकते हैं रीवा रेलवे स्टेशन में, और अभी देख सकते हैं यहाँ पे रिवांचल ट्रेन आई हुई है, तो कितनी ज़्यादा भीड़ है। दिखाने का मतलब ये है, अभी आपके सामने ये है रीवा रेलवे स्टेशन की पार्किंग, उसके बाद आप जैसे ही आगे निकलते हैं तो आपको जो ये वाली बसेज मिलती हैं यहाँ पे मिलती हैं वो गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट बसेज, जिसका फेयर जो है बहुत कम होता है। तो अगर आप ऑटो वगैरह से थके हुए हैं, आपको लगता है उसका फेयर ज़्यादा है, तो सीधे आपको रेलवे स्टेशन से बाहर निकलना है, बिल्कुल सीधे चले आना और यहाँ पे बस लगी रहती है, इनमें बैठ जाना है। सिरमौर चौराहे तक जाने के लिए मात्र 10 से 15 रुपए इसमें लगते हैं। इन्हीं के बगल में देखेंगे आपको लगातार ऑटो वाले लगे रहते हैं जो कि आपको बैठाते हैं। अगर आप जल्दी में तो इनमें जा सकते हैं, नहीं तो आप बस का अच्छे से वेट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे जो 4 कोर की जो इलेक्ट्रिकल केबल थी वो बिछ गई थी। अभी देखिए, आप देखेंगे अगर, तो इनके ऊपर जो पोल्स हैं वो भी आपको नजर आ रहे हैं, पोल्स भी पूरे तरीके से यहाँ पे लग चुके हैं। देखिए, जो लास्ट अपडेटेड वीडियो मैंने बनाया था उसमें ये डिगिंग का काम मैंने दिखाया था और ये बताया था कि यहाँ किस तरीके से जो केबल है वो बिछ रही है, लेकिन अब आप देखेंगे यहाँ पे तो डिगिंग का काम पूरा हो चुका है, केबल का जो लेआउट है वो भी हो गया है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है किस तरीके से यहाँ पे जो पोल है, पोल वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पे पोल भी पूरे तरीके से लग गए हैं। तो यहाँ की बात करें तो काम ये बचा हुआ है कि अब यहाँ पे पोल हो गया, पाइप बिछ गया, यहाँ पे क्या होगा कि इसकी जो डिगिंग की है यहाँ पे प्रॉपर प्लास्टरिंग की जाएगी, ये जो पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं पत्थर किनारे किनारे लगे जाएंगे और इसमें प्रॉपर प्लास्टरिंग हो जाएगी। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही, पिछली बार जितने एरिया में मैंने दिखाया था कि केवल डिगिंग हो रखी थी, वहाँ हर जगह ये जो पोल्स वगैरह हैं लग गए हैं। देखेंगे, बिल्कुल ब्रांड न्यू पोल, अभी तक जिनकी पॉलीथीन है वो भी नहीं निकाली गई है। और मैं आपको समय बता दूं तो अभी लगभग 8:30 बज रहे हैं सुबह के, संडे का दिन है, और देखिए अभी भी यहाँ पे जो लगातार लेबर से काम कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया था 24x7 यहाँ पे काम जारी रहता है। तो आपके सामने दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रीशियन वगैरह वहाँ पे अपना काम कर रहे हैं और कुछ लेबर्स टर्न बाय टर्न अपना जैसा काम करते हैं वो लगातार चल रहा है। जहाँ तक आपको दिखाई देगा वो पोल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, पिछली बार जो मैंने बनाया था मुझे याद है, मैंने आपको बताया था कि केवल केबल लेआउट्स हुई थी, डिगिंग हो रखी थी, लेकिन अब देखिए हर जगह आपको पोल दिखाई देगा। ज़रा अनुमान लगाइए इस तरीके के पोल हर जगह रेलवे स्टेशन रीवा लगने के बाद ये स्टेशन कुछ किस तरीके का नज़र आएगा। जैसी रोड आपको यहाँ दिखाई दे रही यही आगे बढ़ती हुई रोड अभी आपको आगे से दिखाने वाली, जो कि मैं आपको पास से दिखाऊंगा, सेम ऐसी ही बनेगी और आगे जो गेट है वहाँ से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। लास्ट वीडियो जो मैंने दिखाया था उसमें मैंने आपको दिखाया था कि सीमेंटेड बड़ी वाली पाइप्स हैं, वो मैंने आपको बताया था नाली के बगल से लगेंगी, जिसमें से जो केबल वगैरह होती हैं फाइबर वाली वो निकलेंगी। तो आप देख सकते हैं पाइप भी यहाँ पे प्रॉपर पूरे ढंग से सेट हो चुकी हैं, और दूर तक अगर देखेंगे तो प्रॉपर ही पाइप्स आपको लगी हुई दिखाई दे जाएंगी, वो है जिसमें से ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसे कि मैंने बताया था वो निकलेंगी और यहाँ प्रॉपर सेट हो गई हैं। तो लास्ट टाइम हमने यहाँ पे भी देखा था जो रोड है यहाँ तक पे बन गई थी, उसके बाद आपको ऐसा कुछ कंक्रीट और डस्ट वाला एरिया दिखाई दे रहा था, लेकिन अब देखिए यहाँ पे जो टू वे पाथ है वो भी बनता जा रहा है जैसा कि आगे आपको दिखाई दे रहा है, और जो बीच में गैप है यहाँ पे वही सेम केबल जो 4 कोल की इलेक्ट्रिकल केबल है वो डलेगी और बीच में पोल्स लगेंगे। लेकिन आप देखेंगे जो दोनों तरफ ये जो टू वे जो रास्ता है ये प्रॉपर बन गया है, पिछली बार हमने देखा था कुछ इस तरीके का यहाँ पे माहौल था, लेकिन अभी यहाँ पे टू वे प्रॉपर ढंग से ये जो रास्ता है वो बना दिया गया है। मैंने आपको बताया था सामने ये बन रहा था इंजन रिपेयर सेंटर, जो कि रेलवे स्टेशन रीवा में ही होने वाला है, तो सामने देख रहे हैं इसमें भी प्लास्टर का काम जो है सामने से वो पूरा हो चुका है, और ये अगर जैसा कि मैंने आपको बताया था ये रास्ता सीधे निकलते हुए जहाँ आपको ऑटो दिखाई दे रहे हैं उसके लेफ्ट से मुड़ते हुए सीधे आपको आउट कर देगा। यहाँ देखेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया था प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बगल में जो एक स्टॉप की एक लाइन बनी हुई थी, जहाँ मैंने बताया था कभी कोई टेक्निकल फॉल्ट आया या फिर कोई इंजन अगर खड़ा होना तो वहाँ पे खड़ा हो सकता है, तो आज आप लाइव देख रहे हैं कि ये इंजन यहाँ पे प्रॉपर ढंग से खड़ा है। देखिए यहाँ पे ये लाइन ऐसी है जो आगे जाके एंड हो जाती है, फिर डाइवर्ट हो जाती है, दूसरी लाइन में मिल जाती है, तो ये इंजन प्रॉपर यहाँ पे खड़ा है, आगे इसकी लाइन जो है क्लोज है। इन रोड्स वगैरह का देख रहे हैं लगातार यहाँ पे काम जारी है, काम में कोई कमी नहीं है, लगातार जैसे हमने बताया हमारे लेबर्स भाई 24x7 यहाँ पे लगे हुए हैं, काम एकदम तत्पर होकर बहुत अच्छे ढंग से चालू है। और जैसा कि मैंने बताया आगे भी आप देख सकते हैं पूरे तरीके से यहाँ पे मटेरियल आपको दिखाई दे रहा है, एग्रीगेट दिखाई दे रहा है, रेत दिखाई दे रही है, यहाँ भी आपको डस्ट वगैरह मिल जाएगा। होने ये वाला है कि यही रास्ता जो है सीधे यहाँ से सीधे निकलेगा, ये रास्ता ये बनी हुई रोड ये सीधे यहाँ से निकलने वाला है, और ये जो आपको रोड दिखाई दे रही है इससे यहाँ पे मिलेगा और यहाँ से सीधे कहाँ चला जाएगा, वो जो आपको मेन रोड दिखाई दे रही है उसमें ये मर्ज हो जाएगा। उसी के साथ में मैंने आपको दिखाया था वो आपको दिखाई दे रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 1, उसके बगल में 2, वैसे 3, 4 है, और ये आपको जो मैंने बताया था वो आगे स्टॉप का बोर्ड, आप अगर इंजन के पीछे ध्यान से देखेंगे तो स्टॉप का बोर्ड दिखाई भी दे रहा है, तो ये लाइन ऐसी है जो कि स्टॉप मतलब अगर कोई इंजन खड़ा होना उसके लिए है, हालांकि ये अगर जाके डाइवर्ट हो जाती दूसरी लाइन में मर्ज होने के लिए।